रिव्यू से पहले ही शुरू कर दिया, एलर्जी हो जाती है इससे। कितनी कैपेसिटी है आपकी वैसे, कितनी बियर पी सकते हो एक बारी में? बिना उल्टी के मैं 3 पी सकता हूँ, नहीं एक्चुअली 2.5 किंग पी सकता हूँ। मतलब आधा और पीते उल्टी, आधे और पीते उल्टी। सर मैं रहता था मैं रूममेट्स के साथ, तो मैंने रात को 3 किंग पी स्ट्रॉन्ग पी के मैं सो गया, और मैं फिर रात को उठा और नशे में उठा था और मैंने अपने रूममेट के शूज़ में डोनेट कर दिया। मेरे को एक्चुअली पता नहीं था उस टाइम कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आउट था। करते क्यों हो आप ऐसा, मतलब अभी पीने को वाले ही हो? इसको फॉलो करो, ये आपकी पड़ी है। नहीं ये मेरी है नहीं, ये पहले से ऊपर पड़ी हुई थी। अच्छा, किसने पी के रख दी आधी? हाँ वो पोनी, वो होते हैं ना एलीट लोग जो थोड़ी सी पी के रख देते हैं। अच्छा, मतलब उनको कदर नहीं है कि बियर की, रिस्पेक्ट नहीं है किंग फिशर स्ट्रॉन्ग की। तो अपनी प्री पार्टी तो आप कह रहे थे किसी और ने पी के रखी है? मैंने पी नहीं है ये, लेकिन अभी मिल गई है तो वेस्ट नहीं करनी ना। और उठा के पी लेते किसी की 25 साल ब्रांड एज्ड? नहीं वो मैंने इसका पीछे वो पढ़ लिया था, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट तो एक महीने पहले की है। वो हम जैसे लोग जो भाई दारू का रिव्यू बना रहे हैं उनके लिए तो क्या है, वो तो हार्डकोर ड्रिंकर्स हैं। मतलब आज मेरी किस्मत में सिर्फ नोजिंग है, टेस्टिंग नहीं है। टेस्ट चलो अभी कैमरा बंद होगा तो मैं इसके हाथ से छीन लूँगा और टेस्ट कर लूँगा, लेकिन टेस्ट क्या मैं तो चढ़ा लूँगा। पिछली बारी जेमिसन, अगर आपने देखी होगी वीडियो जेमिसन की, तो आप अगर कभी लो ज़िंदगी में आ गए जेमिसन तो उसको एक बार टेस्ट करके कंफर्म कर लेना कि जो आप वीडियो देख रहे हो वो सही देख रहे हो कि नहीं, वैसा ही है कि नहीं, क्योंकि इस बंदे ने जो आपको बताया है उसको आपको कॉरोबोरेट भी तो करना है। अभी ये सीग्रम्स ब्लेंडर स्प्राइट के ग्लास में ये है स्टार वॉकर, इसको करते हैं नोज़ टेस्ट। की हुई है नोज़ करके ऐसा है जैसे प्योर न्यूट्रल स्पिरिट, अल्कोहल का जो नाक के बाल जलाने वाला भपका, हाँ न्यूट्रल स्पिरिट इरोड हो रही होती है। पर ये बिल्कुल एकदम लो एंड विस्की है तो इस पे जायज़ है कि अगर कोई नोट ना आना जायज़ है। अल्कोहल का स्निफ है, प्रॉपर अल्कोहल जा रही है अंदर, बाल जलाने वाली अल्कोहल नाक, लेकिन थोड़ी हल्की स्वीटनेस लगी है। मतलब अगर मैं उसको उसके अंदर घुसूँ और आपको कुछ बताना ही है मुझे, मेरे को स्मार्ट अपने आप को घोषित कर रही है आपके सामने, थोड़ी हल्की स्वीटनेस की विफ आ रही है। वो स्वीटनेस कहाँ से आ रही है वो मुझे नहीं पता, बाकी टेस्ट करके ये बताएगा। चलो मैं भी कैसे करूँगा भूखेपन का महंगा नाच। तो आज जो है बाहर अच्छा मौसम हो रहा है तो हम बाहर ही कर रहे हैं इसको। छिपकली भी नहीं है आज ऊपर तो मैं, हाँ ये छिपकली से ऐसा है कि मतलब ड्रैगन आ गई हो सामने। 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा तो उससे होता है जिससे मतलब दुश्मनी हो, यहाँ से तो आपको डर है। ये देखिए नाइस स्टाइल भाई, मेजर तो कर लेते भाई, ये तो अनलिमिटेड डाल रहे हो आप। हाँ एक तो चढ़ी चुकी है बियर, अभी आपने देखा जैसे, हाँ 525 ओ भाई नहीं गिर जाएगी भाई, ज़्यादा स्टंट नहीं करना इधर भाई, कोई बात नहीं इतनी भी नहीं चढ़ी है। तो ये मेरा तीसरा सिप है, मेरा दो सिप के बाद कुछ नहीं बोल पाया मैं। ये नोजिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड है, नोजिंग में बहुत हार्ड है ये। मुझे एक्चुअली पर्सनली ये जब मैंने इसको टेस्ट किया है तो टंग पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत हार्श है। ये यू नो वार्म विस्की भी नहीं है, मतलब अगर नीट पीने की अगर बात की जाए तो गले से बहुत आराम से उतर रही है। चढ़ाने वाली विस्की है वैसे, अगर हम ऐसे कुछ ज़्यादा वो फॉर्मल नहीं हो रहे हैं, अगर आपको फटाफट चढ़ानी है तो उसके लिए 500 रुपये की विस्की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये अगर ये करोगे कि भाई इसको रिक्लाइनर चेयर पे बैठ के ओहो 125 रुपए की बियर पीने के बाद 525 की बोतल के साथ स्टैंड नॉट फ्रंट करोगे? नहीं भाई नहीं, ओ नहीं रहने दो भाई, बोतल टूटेगी तो नीचे आपके घर भी आवाज जाएगी। किंग फिशर बाकी में स्ट्रांग है। एक बार मैं इसको भी दे देता हूँ कि ये इसको क्या लगता है इस विस्की के बारे में। लग रहा है मुझे इसको देख के कि ये विस्की अच्छी चढ़ाएगी, क्योंकि इसके तो प्राइस से पता लग रहा है 525 रुपए की का खंबा पक्का अच्छी चढ़ाएगा, 525 रुपए का खंबा, लेकिन गुड़गांव दिल्ली के हिसाब से 900 का खंबा। चलो 900 ज़्यादा हो गया, 860 मेरे को चढ़ी भी है, मैं पहली बार पी रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जब मैंने कभी इसको देखा होगा तो मेरे को अच्छी चढ़ी थी। तो अब देखते हैं ब्लेंडर स्प्राइट से कंपेयर करूँ अगर, तो काफ़ी स्मूथ है, ब्लेंडर स्प्राइट भी स्मूथ है लेकिन ये भी स्मूथ है, नीट पी सकते हैं इसमें, एक भी सिप पानी नहीं है, प्योर अल्कोहल है, आराम से अंदर गई है, कोई पंगा नहीं लिया। यू विल कम अक्रॉस सम विस्कीज जिसमें आप चाहे एक सिप क्या आप 100वीं सिप भी लोगे, आप यू विल नॉट यू नो गेट अकस्टम टू द टेस्ट ऑफ द विस्की, बट इसमें ऐसा मुझे ये चीज़ एक खासियत लगी मेरे को इसकी कि एक दो सिप के बाद
इट फेल्ट गुड। ग्राफ इसका एकदम स्टेबल होता है, बहुत लो लो नहीं है, बहुत हाई हाई नहीं है, तो इतना बोल सकता हूँ कि ये ऊपर लेके जाएगी, काफ़ी ऊपर लेके जाएगी, अच्छा खासा ऊपर लेके जाएगी, लेकिन नीचे आते वक्त बहुत नीचे नहीं आएगी। जैसे बहुत ऊपर नहीं जाएगी, ऐसे बहुत नीचे नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको हेडेक होगा या हैंगओवर होगा अगले दिन अगर आपने लिमिट पिया। ऑब्वियसली अगर आपने दो खंबे पी लिए हैं एक ही बारे में तो ऑब्वियसली हैंगओवर होगा और अगले दिन आप पूरे दिन सोओगे या आपको हेडेक होगा। बात ये हुई थी कि टेस्टिंग मैं करूँगा, लेकिन देखो इस वीडियो का अंजाम क्या हुआ है। पूछते हुए अल्कोहल अब्जॉर्ब करने के लिए कुछ तो चाहिए, और इससे बढ़िया क्या, काब्जी काब्स फुल फिलिंग भी और टेस्ट भी। मैं थोड़ा खाऊंगा, थोड़ा बचाऊंगा, ताकि इसके बाद भी थोड़ा खाने के लिए हो। इसका रिव्यू आ रहा है अगली वीडियो में, सेम ही कपड़ों में, इसलिए गालियाँ मत देना। गुड नाइट। गुड नाइट।